अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, ऑल आर हैप्पी। दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड, टेक आउट योर मैथ्स कॉपीज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काउंट एंड राइट। टुडे टॉपिक इज़ काउंट एंड राइट। आज हम मैथ्स में क्या लर्न करेंगे? काउंट एंड राइट। व्हाट इज़ काउंट एंड राइट? काउंट हम किसे कहते हैं? गिनना। और राइट मीन्स लिखना। राइट हम किसे कहते हैं? लिखने को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, उनको हमें गिनना है कि ये पिक्चर्स कितनी हैं, और हमें क्या करना है, फिर काउंट करके उनको पिक्चर्स को यहाँ बॉक्स में नंबर राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेंशन द डेट। सबसे पहले आप लोग डेट राइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डेट राइट करेंगे एंड देन सी डॉट डब्ल्यू राइट करेंगे। ये जो वर्क है आपका सी डॉट डब्ल्यू वर्क है, जिस तरीके से टीचर ने सेम पेज कॉपी में बनाया है, इसी तरीके से आप अपनी स्कूल की कॉपी में बनाएंगे। ये पिक्चर्स जिस तरीके से टीचर ने ड्रॉ की हुई है, इसी तरीके से सेम पिक्चर आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट राइट करेंगे, देन आप उसके बाद सी डॉट डब्ल्यू राइट करेंगे। उसके बाद आप लोग काउंट एंड राइट की जो हेडिंग है वो आप ब्लू कलर पेंसिल से राइट डाउन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, काउंट एंड राइट ये जो हेडिंग है वो आप किससे डालेंगे? ब्लू कलर पेंसिल से राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, और यहाँ पर आप लोग जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपको भी पिक्चर्स जैसे टीचर ने पिक्चर अपनी कॉपी में ड्रॉ करी है, इसी तरीके से सेम पिक्चर आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। इजी इजी पिक्चर्स हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद से ड्रॉ करें। अगर आपसे नहीं हो तो आप अपनी मामा से ड्रॉ करवा लीजिएगा पिक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट आर दीस? These are apples. These are apples. So first we will count the apples. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। किसको? एप्पल को काउंट करेंगे। ठीक है, एंड देन राइट द नंबर इन द बॉक्स। और जो काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर हम कहाँ राइट करेंगे? बॉक्स में राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स काउंट द एप्पल्स। 1, 2, 3, 4, 5. How many apples? 5 apples. How many apples? 5 apples. Write number 5 in the box. यहाँ पे हम लोग क्या write करेंगे? 5 write करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपको पिक्चर्स जो हैं वो अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। ठीक है बेटा, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट आर दीज? दीज आर बलून्स। दीज आर बलून्स। सो फर्स्ट वी विल काउंट द बलून्स। सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे? बलून्स काउंट करेंगे, एंड देन राइट द नंबर इन द बॉक्स। लेट्स काउंट द बलून्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाउ मैनी बलून्स? 10 बलून्स. 1, 0, 10. राइट नंबर 10 इन द बॉक्स। 1, 0, 10. 1, 0, 10. काउंट मीन्स, काउंट हम किससे कहते हैं? गिनने को कहते हैं। गिनिए। एंड राइट मीन्स लिखना। काउंट मीन्स गिनना, और राइट किससे कहते हैं? लिखने को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें काउंट करने हैं पिक्चर्स कितनी हैं। पिक्चर्स आपके पास ड्रॉ हुई हुई हैं। ठीक है, उनको आपको पिक्चर्स जो हैं वो काउंट करनी है, फिर उसके बाद आप काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा वो आप लोग बॉक्स के अंदर राइट करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, व्हाट आर दीज? दीज आर बॉल्स। दीज आर बॉल्स।
वी विल काउंट द बॉल्स. काउंट विथ मी. 1, 2, 3, 4. 4 balls. हाउ मैनी बॉल्स? 4 balls. राइट नंबर 4 इन द बॉक्स. विच नंबर इज दिस? 4. विच नंबर इज दिस? 4. विच नंबर इज दिस? 4. सेम पिक्चर्स जो हैं, जिस तरीके से टीचर ने अपनी कॉपी में ड्रॉ करी हुई है, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में ये जो पिक्चर्स हैं वो ड्रॉ करनी है. ठीक है बेटा. नाउ टेल मी व्हाट आर दीज. दीज आर स्टार्स. दीज आर स्टार्स. सो वी विल काउंट द स्टार्स एंड देन राइट द नंबर इन द बॉक्स. Let's count the stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 1, 11. How many stars? 11 stars. How many stars? 11 stars. Write number 11 in the box. 1, 1, 11. Which number is this? 11. Which number is this? 11. Last picture है आपके पास. Anyone tell me what are these? These are clouds. These are clouds. How many clouds? Let's count the clouds. 1, 2, 3, 4. How many clouds? 4 clouds. Write number 4 in the box. Which number is this? 4. Which number is this? 4. अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, काउंट एंड राइट जो हैं वो आप ब्लू कलर पेंसिल से राइट डाउन करेंगे, देन उसके बाद आप लोग मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. जिस तरीके से पिक्चर्स टीचर ने अपनी कॉपी में ड्रॉ करी हुई हैं, इसी तरीके से सेम पिक्चर्स आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है. ठीक है. काउंट मतलब गिनना एंड राइट मतलब लिखना. यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है. ठीक है. उनको आपको काउंट करना है और फिर उसके बाद बॉक्स में क्या करना है, आपको नंबर राइट करना है. ये वर्क जो था आपका CW वर्क था. अब मैं आपको होमवर्क शो कर रही हूँ. ठीक है. आपको होमवर्क में भी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपका जो होमवर्क है वो देख लीजिए. पिक्चर्स भी आपको होमवर्क में ड्रॉ करनी है. ओके बेटा. अगर आपसे पिक्चर्स ड्रॉ नहीं हो तो आप अपनी मामा से भी पिक्चर्स ड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इजी इजी पिक्चर्स हैं आप खुद ड्रॉ करें. ये जो वर्क है वो आपका HW वर्क है. ये आपको अपनी कॉपी में पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. जिस तरीके से आपने CW वर्क में पिक्चर्स ड्रॉ करी थी, इसी तरीके से सेम आपको ये पिक्चर्स जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है. ठीक है. फिर उसके बाद आप लोग ड्रॉ करने के बाद पिक्चर्स को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लोग बॉक्स में नंबर राइट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. और कोशिश करें आप खुद से पिक्चर्स ड्रॉ करें. अगर आपसे पिक्चर्स जो हैं ड्रॉ नहीं हो रही हो तो आप अपनी मामा से करवा लीजिएगा, लेकिन जो टीचर ने पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं वो बहुत इजी इजी पिक्चर्स हैं. काइंडली आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद से पिक्चर्स आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करें. ठीक है. आई होप आप सबको काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. अगर किसी को काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, काइंडली वो मुझसे पूछ सकता है. मैं जो हूँ आपको अगेन CW और HW वर्क शो करवा रही हूँ. ठीक है. आप देख सकते हैं कि CW वर्क में टीचर ने क्या करवाया था. आपको काउंट एंड राइट करवाया था. डिफरेंट पिक्चर्स हैं. ठीक है. CW में जो है आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं एंड HW में जो है वो आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं. ठीक है.
आप लोगों को काउंट करनी है, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो आप लोग कहाँ राइट करेंगे, बॉक्स के अंदर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।